इसका मतलब है कि नेवला सूरज की किरणों से डरता है। जाने ये किस तरह का जख्म है? मुझे माफ कर दो मेरे आका, मुझे माफ कर दो। मेरी जिंदगी बख्श दो मालिक। मैंने अपना खून देकर तुम्हें जिंदगी दी है और आज तुम अपनी एक गुलाम की जान लेना चाहती हो। लेकिन तुमने उसे रोका क्यों नहीं सपना? भैया मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन ठीक है गाड़ी में बैठो चल। सपना तुम आ जाओ। काली पहाड़ी नहीं गुनाहों का अंधेरा है जहाँ जहाँ तो हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी भानु। मैं नेवला के पास जाऊंगी। भाभी भानु तू उस शैतान के पास जाना चाहती है जिसने तेरी नसों में जहर भर दिया? नहीं भानु मेरे जीते जी मैं तुझे उस मौत के मुंह में नहीं धकेलूंगा। भानु नहीं धकेलूंगा। भाभी न कामिया की मां नेवला से मिलती ना ही मेरी बच्ची उसके जाल में फंसती न भानु और सपना पर कोई मुसीबत आती। मैं तो कहता हूं कि वो मेरी जान ले ले लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दे। हौसला रखिए ठाकुर साहब किसी को कुछ नहीं होगा। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
नहीं बेटा नहीं, तुम उसके नजदीक मत जाना। आज से 18 साल पहले मैंने अपने इसी हाथ से नेवला के सीने में खंजर घोपा था। वो इंसान नहीं, शैतान है। नहीं जा सकती। भैया खाना खा लो। भैया ले जाओ सपना, भूख नहीं है। भाभी तो चली गई, तुम भूखे रहकर क्यों अपनी जान से खेल रहे हो?